नमस्कार, राम राम। आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके जीवन में तरक्की होने वाली है या आप जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं। हर एक इंसान का एक मकसद होता है, काम करके सफलता प्राप्त करना। सफलता अगर आपके हाथ में ऐसे लक्षण है तो आपको अवश्य मिलेगी और जिंदगी में तरक्कियां आपके हमेशा सामने खड़ी होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हम जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार से ये हमारी मस्तिष्क रेखा, हमारे मन के विचारों में हम किसी बात को कितनी गहराइयों तक सोचते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हमारे अंदर कितनी प्रेम की भावना है उसके बारे में बताती है। तो सबसे पहले हमने बात की है तरक्की की, विकास की, प्रोग्रेस की। जीवन में हर कोई अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और वो बहुत बड़ी सफलता का राज होता है। अगर आपके हाथ में ऐसे शुभ चिन्ह हैं तो आपको जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। सबसे पहले तरक्की की जो रेखाएं होती हैं, जो हमारी फिंगर्स होती है हस्त रेखा में, वो अग्रसर होती है। जैसे कि हम, ये हमारी बुध की फिंगर है, इसको हम बुध की फिंगर या कनिष्ठा फिंगर बोलते हैं। और इसका पर्वत उन्नत का हो, ये पर्वत उठा हो आपके भरपूर गुण की मात्रा को दर्शाती है। और इसी के ऊपर ये खड़ी लाइनें आपकी जो कला होगी बोलने की सक्षम होगी। और ये पर्वत और साथ भी ये फिंगर की जो एक बुद्ध की रेखा होती है आपकी बोलने की कला को सिखाती है। हम कहते हैं ना, किसी भी काम करने के लिए हमारी बोली बाणी को देखा जाता है। और बोली बाणी के साथ हम जीवन में किस तरह का व्यवसाय करेंगे वो हमारी बुध की फिंगर बताती है। और इसी प्रकार से कि हमारी जो सूर्य की फिंगर है, और सूर्य का पर्वत समान रूप से उठा होना चाहिए। अगर सूर्य का पर्वत उठा है, सूर्य की फिंगर बड़ी है, जैसे कि हम जानते हैं सूर्य की फिंगर जो होती है या सूर्य का पर्वत हमारे मान सम्मान को, हमारे प्रतिष्ठा को, हमारे होने वाले जीवन में जो हम एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं उसमें से जो हमें प्रोग्रेस मिलती है या जिसको कहते हैं कि मान सम्मान मिलता है, वो हमारी सूर्य की रेखा बताती है। और इसी प्रकार से हम जीवन में जो अधिक धन कमाते हैं या धन से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करते हैं और वो धन की जो हम संग्रह करते हैं वो हमारी जो शनि की फिंगर और शनि का पर्वत, ये हमारे व्यवसाय के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से ये गुरु की फिंगर है। गुरु की फिंगर जैसे कहते हैं कि ज्ञान का ग्रह माना जाता है। और जीवन में हम जो भी कुछ चीज सीखते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमारे गुरु की फिंगर बताती है। सबसे पहले हमने की तरक्की की बात। तरक्की को दिखाती है हमारे बुद्ध की पर्वत के ऊपर और खड़ी लाइनें। खड़ी लाइनें हमेशा जीवन में आपको तरक्की की तरफ ही इशारा करती हैं। और जीवन में कई बार क्या करते हैं हम, बुध की जो फिंगर है और शनि का सूर्य का फिंगर है, और कई बार ये सूर्य का जो फिंगर है और सूर्य का पर्वत, कहीं ना कहीं ये बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनता है, जिसको हम कुंडली के योग से मानते हैं तो बुध आदित्य योग मानते हैं। ये काफी शुभ योग माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में व्यवसाय करके एक तरक्की को पाते हैं, एक नेम फेम को पाते हैं। जीवन में तरक्कियां इनको अवश्य प्राप्त होती हैं। और इसी के साथ जैसे कि हम प्रोग्रेस की, ये प्रोग्रेस की रेखाएं, ऐसे लोगों का जो व्यवहार होता है मित्रता पूर्ण व्यवहार होता है, ये किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा तरक्की की बात चाहते हैं, लोगों का अच्छे का के बारे में ही सोचते हैं।
और जब भी हम तरक्की की बात करते हैं, हमेशा सफलता की सूचक जो होती है हम जीवन की घटनाओं से देखते हैं। जैसे कि कहते हैं कि हम जीवन में, ये हमारी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा जैसे हमारी करियर के सफलताओं के बारे में बताती है, उसी प्रकार से उस काम को हम करके क्या जीवन में तरक्की करेंगे, वो हमारी जीवन रेखा से निकलने वाली ऊर्ध्वमुखी रेखाएं जो होती है वो हमारे सफलता की सूचक मानी जाती है। ये जीवन की एक तरक्की को दर्शाती है। ये आप किस एज में आपकी तरक्की होने वाली है, ये हमारी जो जीवन रेखा से निकली हुई ऊर्ध्वमुखी रेखाएं हैं, जिसको हम महत्वाकांक्षा रेखा बोलते हैं, हमेशा आपकी तरक्की को ही दर्शाती है। और इसी प्रकार से जब भी हम तरक्की की बात करते हैं, कहीं भी ऊर्ध्वमुखी रेखाएं निकले वो जीवन के एक ऊंचाइयों की तरफ लेके जाती है। अब ये मस्तिष्क रेखा से निकले, ये मस्तिष्क रेखा से निकले या हृदय रेखा से निकले, इन रेखाओं का निकलना जीवन में एक प्रगति है, एक उन्नत है, एक तरक्की है। और इसी प्रकार से अगर ये आपके भाग्य रेखा से जीवन रेखा के साथ ना चलकर भाग्य रेखा के साथ चले, ये भी आपकी तरक्की को दिखाती है। जीवन में होने वाले जो भी हम कार्य करते हैं उसकी बढ़ोतरी को उसकी तरक्की का ही एक प्रारूप माना जाता है, जीवन में एक लक्ष्य माना जाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।